कलर कहते हैं, निशाचर भी कहते हैं। ये देखिए बहुत सारे सर्प हैं। ये है कॉमन करेट, और एक ही आदमी के जाने के लिए अंदर जगह थी, दूसरा आदमी खड़ा नहीं हो पाता क्योंकि बहुत ही पतला कुआं था। ये देखिए काफी गुस्से में होते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है, ये भागेगा बहुत स्पीड में, और हमारे तरफ देखिए कितनी स्पीड में भागा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल संजय के सर्प मित्र पे। यहाँ हम रेस्क्यू जो किए थे सर, उनको रिलीज करने के लिए आ चुके हैं जंगल में, और हमारे पास आज सांपों का जखीरा है, समझ लिए, बहुत सारे सर्प हैं, और सबके बारे में विस्तार से बताएंगे कौन कौन से सर्प है, कौन कौन से जहरीले, कौन से नहीं है। तो आइए बने रहिए भी टीम लास्ट तक, दिखाते हैं। ये देखिए बहुत बड़ा जंगल है, यहाँ नदी का किनारा है, और यहाँ इसको भोजन पानी की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। हम सोचते हैं कि ऐसी जगह इसको छोड़े कि जहाँ इसे पानी और भोजन सब मिल सके, तो हम इन्हें बचाने का कोशिश करते हैं। हमें नहीं कि इन्हें ऐसी जगह छोड़ दें कि जहाँ इन्हें पानी ना मिले, भोजन ना मिले। जहाँ पानी होगी तो वहाँ अपने आप भोजन ढूंढ लेंगे। चलिए इसको यहीं रिलीज करते हैं। रेड स्नेक धामन नॉन वेनमस है साथियों, हम हर वीडियो में बताते हैं यह जहरीले बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं पोस्ट से मारने से इन्फेक्शन रहता है, सब झूठी बातें हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं गाय भैंस को बांध के दूध पी जाता है, ये सब भी झूठी बातें हैं। और हमारे हिंदुस्तान की सच्चाई यही है कि लोग सच पे भरोसा नहीं करते हैं, झूठी बातों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, झूठे इंसान पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। चलिए हम इसको छोड़ रहे हैं, देखिए इसकी स्पीड कितनी है, ये भागेगा बहुत स्पीड में। और हमारे तरफ हाथ में एक और है, मोनिटर लेजर्ड है, और एक इसी के अंदर बेबी रेड स्नेक है, वो भी क्योंकि दोनों नॉन वेनमस है इसलिए एक साथ रख दिया हूँ, क्योंकि अगर रेड स्नेक बड़ा होता तो इतने बड़े मोनिटर लेजर्ड को निगल जाता है, मार देता है, लेकिन यहाँ दोनों एक साथ क्योंकि जहरीले नहीं है इसलिए एक साथ छोड़ रहा हूँ उनको। देखिए कितने स्पीड में भागा, और ये भी स्पीड में भागेगा क्योंकि सांपों में सबसे तेज रेंगने वाले सर्प यही है। दिखाइए, अब मेरे पास रह गए जहरीले सर्प, इनको सबके दोनों को सावधानी से, क्योंकि लापरवाही दो बारी हादसा होते होते बच गया है, इसलिए मैं हैंड सेफ्टी ले रहा हूँ। हैंड सेफ्टी के बगैर करना ठीक नहीं है, मैं लोगों से यही कहता हूँ कि स्टैंडबाजी ना करें, हैंड सेफ्टी के साथ काम करें, सुरक्षा के साथ काम करें, तब ये बैठ करते हैं, इनका मूड कब कहाँ बिगड़ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यह है, चलिए पहले एक साथ निकाल कर रख देते हैं सबको, फिर यह है स्पेटकल कोबरा, किसी को भारतीय नाग कहते हैं, यह साथी जहरीला होता है, यह जहरीला है। और इनके अंदर भी सर्प है चार, तो सबको एक साथ ही छोड़ दे रहे हैं, रिलीज कर दे रहे हैं। एक इसके अंदर ये स्पेटल कोबरा है, तो डब्बे को ही हम फेंक देंगे, डब्बा तो जहां जाते रहते वहां मिलता रहता है। देखिए इसके अंदर तीन स्पेटकल कोबरा, एक कॉमन करैत हिंदी में करैत, और इसी को साइलेंट किलर कहते हैं, निशाचर भी कहते हैं। ये देखिए बहुत सारे सर्प हैं। ये है कॉमन करैत जो कि भार, हाँ देखिए सारे सर्प तीन, देखिए यह है कॉमन करेट, देखिए ये काफी आक्रामक होते हैं, और कोबरा का जहर 40 से 50 मिनट में आदमी को मार देता है।
और ये थोड़ा देर से मारता है करेट। जी सर दिखाइए, झाड़ियों में जा रहा सब दिखाइए। एक है, इसको दिखाइए कोम, इधर से आइए, इधर से थोड़ा इधर आइए। यह है कोमन करेट, दिखाइए कैमरामैन जी जरा नतीस। यह है कोमन करेट, इसका पैटर्न देखिए, यह पहचान है। ब्लैक होता है, हल्का हल्का ब्लू रंग दिखाई देता है, चमक होती है और वाइट पट्टी है। देखिए थोड़ी सी गर्दन छोड़ के बाकी पूरे शरीर पे पूछ तक वाइट पट्टी बनी होती है। चलिए देखिए, एक यहाँ पेड़ पे चढ़ रहा है स्पेटकल कोबरा। चलिए इनको आज़ादी मिल गई है, अपनी जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं जी लें, छोड़िए इनको, ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। हमारा मकसद था जानकारी देना और इन्हें बचाना। तो साहब किसी को गाइडेंस चाहती हो तो, हमने दो जहरीले सर्प आपको दिखाया, एक कॉमन क्रैब और छह हमारे पास स्पेटकल कोबरा थे और दो रेड स्नेक थे, एक मॉनिटर लिजर्ड था। सबको हमने बारी बारी रिलीज कर दिया और सबके बारे में जानकारी बताई। मॉनिटर लिजर्ड भी जहरीला नहीं होता और धामन जिसको रेड स्नेक कहते हैं इंग्लिश में, वो भी बिल्कुल जहरीले नहीं है। यह है स्पेटकल कोबरा, देखिए पेड़ ऊपर जाके बैठ गया एक तो झाड़ी पे, और काफ़ी खतरनाक मंजर है। वैसे इस जगह बैठे रहते हैं कोई अचानक से, और एक ही आदमी के जाने के लिए अंदर जगह थी, दूसरा आदमी खड़ा नहीं हो पाता क्योंकि बहुत ही पतला कुआं था। तो इसके अंदर इतने सारे सर्प थे, किसी के ऊपर बैठ कर सकते थे, इसलिए हमने किसी कैमरामैन के अंदर नहीं जान दिया, बाहर से वीडियो बनवा था। बाकी वीडियो को आप बारीकी से देखिए, जानकारी लीजिए। और ये दूसरा देखते कहाँ पे है, ये काफी बड़ा जंगल है, इनके लिए तो काफी फायदेमंद है और बारिश का मौसम भी है, यहाँ इनको भोजन पानी सब कुछ मिल जाएगा। किस तरह यह बाइट कर रहा है, काफी आक्रामक होते हैं, यह देखिए काफी गुस्से में होते हैं। चलिए इनके साथ ज्यादा छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है, ये जाना नहीं चाह रहा है, इसको हम फिर भी छोड़ देंगे। इधर थोड़ा सा जंगल के साइड में जाएगा, इसके साथ ज्यादा जरा से कोई छेड़छाड़ कर देता है गुस्से में आगे खड़ा हो जाता है, भागता नहीं। ये बहुत ही बहादुर सर्प होता है, इनकी हम बहादुरी डाल देंगे, इनकी बहादुरी को डाल देंगे कर देते हैं। यह काफी बहादुर किस्म के सर्प होते हैं। यह है स्पेटकल कोबरा, भारत का सबसे खतरनाक सर्प, किंग कोबरा के बाद इनका ही गुस्सा तगड़ा है। देखिए दोनों एक साथ ही हैं, ये अपनी बची खुशी जिंदगी जहाँ मजे ही जिलेंगे। चलिए भाई, वैसे इंसान को जंगल में जाने से पहले थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, रास्ते में देख के चलना चाहिए कि अभी भी सांप के नीचे, पैर के नीचे सांप बिच्छू आ सकते हैं, और जूता का प्रयोग हमेशा करना चाहिए इंसान को, छोटे समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। चलिए काफ़ी आक्रामक है, बाइट करेगा बारी बारी। इधर आइए थोड़ा, इसको बैग में डालिए, बैग को थोड़ा देख लेना कोई दूसरा। तो साथियों हम अपने ग्रुप के साथ आए थे, अपनी टीम के साथ सांपों के यहाँ रिलीज कर दिया, अभी वीडियो में देख ही रहे हैं और सबके बारे में जानकारी भी दिया। लोग माने ना माने भाई, उनकी मर्जी, उनके बस्ती किसी को मना नहीं देते, लेकिन यह सच्चाई है कि हिंदुस्तान में सच्ची बात को लोग झूठा समझते हैं और झूठे को सच्चा समझते हैं। इसलिए हमेशा कहते हैं जो हम कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, भरोसा रखिए हम पे, हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं। कसम तो हम खाएंगे नहीं, कसम खाने की आदत नहीं है, और झूठा जो साबित कर दें वो मांगा इनाम देंगे। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं किसी वीडियो में किसी जीव जंतु के साथ। हमारा वीडियो अच्छा लगे साथियों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ सबका। हिंदुस्तान के सभी देशवासियों से मैं बहुत ही प्यार करता हूँ और मेरा यही मकसद है किसी की मौत ना हो, इसलिए मैं जानकारी देता हूँ, किसी की मौत ना हो, जागरूकता फैलाता हूँ। चलिए कमाने के तो बहुत जरिए हैं, लेकिन हमारा मकसद था कि जानकारी देना। जहाँ जाता हूँ अपने आप हमेशा गाइड करवाता हूँ, फिर भी लोग विश्वास नहीं करते हैं, जैसे मॉनिटर लिजर्ड से, धामन से, चिकन गिलवेट जिसको वाटर स्नैक कहते हैं, बहुत सारे सर्प कॉमन वुल्फ स्नैक से, बहुत से लोग कहते हैं कॉमन वुल्फ स्नैक
देहातों में कहते कोबरा है, फिटार है, नागिन है, उनको जानकारी देना है। और वीडियो भी छोड़ रहे हैं, वीडियो जो देखेगा बारीकी से समझेगा, नहीं देखेगा तो हमारी क्या गलती है, बेबस्ती किसी को दिखा नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।